स्टार्ट करते हैं, फिर क्लास शुरू करते हैं। आज क्लास में काफी कम बच्चे हैं बेटा, सिर्फ 14 बच्चे हैं आज क्लास में, नॉर्मली 30 बच्चे होते हैं। चलिए, तो पहला चीज यही है जो हमने पिछली क्लास में पढ़ी थी। पिछली क्लास में सबसे पहले तो हमने ये सीखा था कि भिन्नों को पहचानते कैसे, दूसरा उचित और अनुचित भिन्न पढ़ा था, उचित और अनुचित भिन्न। ठीक है, प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ये दोनों चीजें हमने देख ली थी क्या होती है। तो एक बार फिर से इनको रिवाइज कर लेते हैं ताकि क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम ना। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं उचित भिन्न पे, प्रॉपर फ्रैक्शन पे। तो यदि हमारा अंश हर से छोटा हो तो वो उचित भिन्न कहलाता है, जिसकी तरफ मुंह खुला रहता है वो बड़ा होता है, मीन हर बड़ा है अंश छोटा है। जैसे 1/2, 3/4, 5/8, ये सभी भिन्न हमारे उचित भिन्न है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, न्यूमरेटर छोटा, डिनोमिनेटर बड़ा। ठीक है, न्यूमरेटर छोटा, डिनोमिनेटर बड़ा। हाँ, इसके थोड़ी देर बाद रिवाइज करने के बाद अगला क्वेश्चन पोल में ही आने वाला है। नेक्स्ट है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, अनुचित भिन्न क्या होता है, तो इसका बिल्कुल उल्टा, मीन्स जब अंश बड़ा हो जाए और हर छोटा हो जाए, तो इस तरीके का भिन्न अनुचित भिन्न है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है। ठीक है, 4/3, 8/5, 9/2, ये सभी भिन्न हमारे कैसे हैं, अनुचित भिन्न है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्लियर हो गया सभी को, दो तरीके ही भिन्न हमने पढ़े, प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। सभी को समझ में आ गया तो चार सेक्शन में वाई लिख दो, रिवाइज ही कर रहे हैं अभी हम फिलहाल। यस, और बेटा प्लीज आप लोगों को मैं बार बार बोल रही हूँ कि क्लास खत्म होने तक कोई क्लास में नहीं जाएगा, बीच में क्लास स्किप नहीं करनी, सब दिमाग से निकल जाएगा नहीं। ठीक है, ठीक, और लेट तो क्लास ज्वाइन करनी ही नहीं है, तो आप लोगों को पता है लेट क्लास भी नहीं ज्वाइन करनी। नेक्स्ट हमने पढ़ा था सेम वही कि कौन कौन से भिन्न होते हैं कौन से नहीं, तो हमेशा याद रखना जब ऊपर और नीचे की संख्या एक जैसी हो ना, जैसे 12/12, 16/16, 10/10, ऊपर नीचे सेम संख्या हो, तो ये कभी भी भिन्न नहीं होते। याद रख लोगे, जब भी ऊपर और नीचे सेम संख्या हो तो ऐसी संख्याएं कभी भी भिन्न नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी, क्योंकि उनको आप सिंप्लीफाई करोगे, सरलतम रूप लिखोगे तो एक के बराबर आएगा, और एक हमारी एक पूर्ण संख्या है, तो भिन्न पूर्ण का भाग होता है, तो एक तो पूर्ण है तो इसलिए नहीं हो सकता। दूसरा कौन से नहीं हो सकते, जिनको सरलतम रूप लिख के कुछ पूर्ण संख्या आ जाए, 12/6, 15/3, इस तरह के जितने भी, इनका सरलतम रूप देखो, 2 × 2, 2 × 5 = 10, 6 × 6, 6 × 2 = 12, 3 × 3, 3 × 5 = 15, इसको हल किया 5 आया, इसको हल किया 2 आया, इसको हल किया 5 आया, तीनों ही संख्याएं हमारी क्या है, तीनों ही हमारी पूर्ण संख्याएं हैं। तो आपको पता है कि भिन्न हमारा पूर्ण का हिस्सा होता है, इसलिए ये भी भिन्न नहीं है। तो सरलतम रूप को भी आपने ध्यान से देखना है पहचानने के लिए। इतना सभी को क्लियर, तो इसके बाद में पोल में क्वेश्चन देते हैं। क्लियर है सभी को? यस, पोल नंबर नहीं आना चाहिए प्रॉपर, किस पोल में क्वेश्चन देते हैं। चलिए ठीक, सेम वही क्वेश्चन आपने पहचानना है कि इनमें से कौन सा भिन्न नहीं है, कौन सा नहीं है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्रैक्शन, अभी मैंने सिखा दिया कैसे पहचानेंगे, सरलतम रूप देखो, अगर पूर्ण संख्या आ रही है तो भिन्न नहीं है, अगर नहीं आ रही तो है। ठीक है, ये गुड, सरलतम रूप देखेंगे सभी बच्चे, आंसर एकदम सही होगा। जिसके पास भी पोल का ऑप्शन आ रहा है सभी बच्चे पोल में करेंगे।
यस, 8 बच्चों का आंसर आ गया है। गुड, बढ़िया। 11 बच्चों का आ गया आंसर। गुड, सब भी करिए। पोल में कौन सा भिन्न नहीं है, देखते ही पहचान में आ जाएगा। आखिरी के 5 सेकंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए बाकी बच्चे चैट सेक्शन में आंसर करिए कौन सा नहीं है। वैसे 2 बच्चों का गलत था, बाकियों का ठीक है। तो ऑप्शन वाइज चलते हैं। 1/2 को सरलतम रूप 1/2 ही है, क्योंकि दोनों ही संख्याएं किसी और संख्या से विभाजित नहीं होती ना। भाई सरलतम रूप लिखने के लिए ऐसा होना चाहिए कि दोनों संख्याएं एक ही संख्या से कटे। अब 1 और 2 तो किसी भी संख्या के पहाड़े में नहीं आते ना एक साथ, तो ये भिन्न है। 9/7 भी नहीं आते, 4 और 9 भी नहीं आते किसी पहाड़े में एक साथ, लेकिन 12 और 6 एक संख्या के पहाड़े में आते हैं एक साथ। कौन से? 6 के पहाड़ में। 6 एकम 6, 6 दूनी 12। इसको हल किया तो 2 आया, और 2 हमारा एक पूर्ण संख्या आ गया, है ना, पूरी चीज आ गई। आपको पता है कि जब भी पूरी चीज आते हो भिन्न नहीं होता। तो डी इसका सही उत्तर है। वेरी गुड अंश, वेरी गुड। हाँ ऐसी कॉपी शो कर देना जिसका भी हो जाए, ठीक है। डी इसका सही उत्तर है। चलिए अब मैं अगर आपसे एक चीज पूछूं, मतलब एक क्वेश्चन है मेरा, वह किस तरीके का भिन्न होता है अगर अंश मेरा हर से ज्यादा हो जाए, तो किस तरीके का भिन्न होता है। जब न्यूमरेटर ग्रेटर देन हो जाए डिनोमिनेटर, तो उस तरीके के भिन्न को क्या कहते हैं। 2 ऑप्शन दे रही हूँ, उचित भिन्न, प्रॉपर फ्रैक्शन या अनुचित भिन्न। चैट सेक्शन में करेंगे। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जब अंश हर से बड़ा हो जाए। ए और भी 2 ऑप्शन है, बताइए। सभी बच्चे करेंगे आंसर चैट में। गुड, यस। पक्का सभी बी वाले को बोल रहे हो? एकदम करेक्ट, एकदम करेक्ट। आपको पता है जब भी अंश बड़ा हो हर छोटा हो, तो वो अनुचित भिन्न होता है, ठीक है। इसमें तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है। रेडी है अगला क्वेश्चन पोल में करने के लिए? नहीं है? ओके यस, ठीक है। जब भी अंश बड़ा हो हर छोटा हो, यस, वेरी गुड बेटा अरुण के नाम से जो है। जब भी अंश बड़ा हो हर छोटा हो, न्यूमरेटर बड़ा हो डिनोमिनेटर छोटा हो, तो अनुचित भिन्न ही होता है, ठीक है। अब हम पोल में कर लेते हैं इस तरीके का एक क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन समझ लो, क्या बोला है। जब किसी भिन्न का अंश, जब किसी भिन्न का अंश, अंश की बात करिए, उसके हर से डैश होता है, वो उचित भिन्न कहलाता है। मीन जब भी कोई न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से डैश होगा, तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन की परिभाषा पूछिए उचित भिन्न की। क्या होगा, अंश हर से कम होगा तो उचित भिन्न कहलाएगा, या हर से ज्यादा होगा तो उचित भिन्न कहलाएगा, या हर के बराबर होगा तो उचित भिन्न कहलाएगा, या एक से ज्यादा होगा। मतलब आपको उचित भिन्न की परिभाषा पूछिए। उचित भिन्न कौन सा होता था, जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से लेस देन होगा, ग्रेटर देन होगा, इक्वल होगा, या होगा, ठीक है। सिंपल भिन्न की परिभाषा पूछिए आप लोगों से। बेटा क्लास इतनी लेट ज्वाइन क्यों कर रहे हो? देखो मैं दूसरा क्वेश्चन दे रही हूँ पोल में। क्वेश्चन मैम आवाज होता नहीं आ रही। है, अभी भी नहीं आ रही आवाज? नो मैम। बेटा क्लास लीव करके दोबारा ज्वाइन करना, जरा एक बार और करो ज्वाइन, रिज्वाइन। स्क्रीन दिख रही है मेरी?
यस सिंपल क्वेश्चन है, जिसको मेरी आवाज नहीं आ रही या स्क्रीन नहीं दिख रही हो, क्लास लीव करके प्लीज रिज्वाइन कर लो, दिख जाएगी और आवाज भी आ जाएगी। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन बोलता है, उचित भिन्न में अंश हर से क्या होगा? कम होगा, ज्यादा होगा, बराबर होगा या एक के बराबर होगा? ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से क्या होता है? लेस देन होता है, ग्रेटर देन होता है, इक्वल होता है या वन ग्रेटर देन होता है? आखिरी के 5 सेकंड्स और हैं आपके पास क्वेश्चन को सॉल्व करने के, लास्ट के 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1। मैम अभी भी नहीं आ रही आपकी आवाज। बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करिए। बेटा क्लास लीव करके दोबारा ज्वाइन करो, मैं आपसे बोल रही हूँ। मैंने क्लास की लीव थी कर, अभी फिर से बट मुझे तो आपकी इसका। आवाज एकदम क्लियर आ रही है। वेरी गुड अंश, यस यस बोलो। मैम इसका टर्न ऑफ स्पीकर वो म्यूट होगा, इसलिए मैम नहीं आ रही होगी इसकी आवाज। किसका म्यूट होगा? मैम इसी के मोबाइल पे म्यूट होगा ओके मैम, टर्न ऑफ तो सामने वाले की आवाज नहीं आती उसकी वजह से। अच्छा, देख लो बेटा, ऐसी कोई सेटिंग आती है कि सामने वाले की आवाज नहीं आती? या अपना जो वॉल्यूम है ना, फोन का जो वॉल्यूम वाला बटन है, उसे पूरा प्रेस करके देखो, फुल है क्या वॉल्यूम? वॉल्यूम देखो, वॉल्यूम देखो अपने फोन का। यस, सभी ने कर दिया। यस, वैसे इतना समझाने के बाद भी ना काफी बच्चों ने गलत किया है। तो आप सभी को बेटा पता है उचित भिन्न क्या होता है? जब अंश छोटा हो, हर बड़ा हो। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? सॉरी, यहाँ मैंने हर लिखा है। व्हेन डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर, एंड डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर, तो ही वो तो प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है। ए सही उत्तर है। ठीक है, इसका मतलब अंश छोटा होगा, हर बड़ा होगा। तो अंश उसके हर से छोटा होता है या कम होता है, लेस होता है। एक बच्चे ने इस पे भी टिक कर रखा है। इसकी तो बात ही नहीं करी मैंने कि बराबर होता है, क्या होता है। सी ऑप्शन कैसे लगा सकते हैं? सी ऑप्शन तो लगा ही नहीं सकते, है ना? मैं मान सकती हूँ कि अभी कंफ्यूजन है, तो बी पे लगा सकते हो। ठीक, बी तो हो ही नहीं सकता ना बेटा। क्लियर हुआ सभी को? ए का सही उत्तर है। ठीक, हमेशा याद रखना, अंश छोटा होगा, हर बड़ा होगा, तो वो उचित भिन्न होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। प्लीज कॉपी में नोट डाउन करो, अपनी अपनी कॉपी शो करो मुझे। चलो जल्दी से, जो लग नहीं रहा कि आप लोग कॉपी में लिखते हो, कॉपी शो करना जरा वीडियो ऑन करके। क्या कर रहे हो आप लोग? यस, 4 बच्चों की तो कॉपी मुझे दिख गई। बाकी बच्चे गुड बेटा, बाकी बच्चे सभी कॉपी दिखाओ मुझे अपनी अपनी। सभी बच्चे क्या कर रहे हो, लिख रहे हो या नहीं लिख रहे हो? क्योंकि लिखते तो क्वेश्चन गलत नहीं होता ना। यस सचिन, गुड। नेक्स्ट, और बार बार बोलती हूँ मैं, क्लास में ऐसे नहीं बैठना। ठीक है बेटा, कृष्णा के नाम, किशन के नाम से जो बच्चा है। सभी बच्चे रफ में कर रहे हो, डायरेक्ट फेयर में कर लो ना, इतना ज्यादा तो लिखना भी नहीं पड़ता। डबल डबल मेहनत क्यों करनी हमें? नोट्स उस हिसाब से बनाओ जितना खुद को समझ में आए, किसी और को थोड़ा ना दिखाना। अपने आप को समझ में आ रहा है वही नोट्स है। ठीक है, नोट्स का मतलब तो ये होता है जो खुद को समझ में आ जाए। चलिए एक और क्वेश्चन करें, नेक्स्ट क्वेश्चन पोल में। ठीक है बेटा, प्रैक्टिस कर लेना, बट ट्राई यही करो कि क्लास के साथ साथ ही लिख लो। ठीक है, हाँ, नोट्स का मतलब यही होता है कि अपने आप को समझ में आना चाहिए, बाकी आप कर ही लोगे, समझ ही लोगे। 2/5 क्या है? किस प्रकार का भिन्न है 2/5? अंश और हर को ध्यान से देखो, क्या ये मिश्र भिन्न है, उचित भिन्न है, अनुचित भिन्न है, या इनमें से कोई नहीं? मिक्स्ड फ्रैक्शन है 2/5, प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, या नन ऑफ द अबव? डायरेक्ट क्वेश्चन, प्रैक्टिस
फ्रैक्शन देखते ही आपको पता चल जाएगा किस तरीके का फ्रैक्शन। वेरी गुड। डायरेक्ट दिख रहा है किस तरीके का भिन्न है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। गुड, 11 बच्चों का आंसर आ गया। अंकित कुमार के नाम से जो बच्चा है बेटा, इतनी लेट क्लास क्यों ज्वाइन करी है बेटा, आधा घंटा हो गया क्लास शुरू हुए। मैम खाना खा के आया था। बेटा खाना खाते खाते भी तो फोन ही तो देखना है, ले सकते हैं क्लास। यस मैम। सबसे बढ़िया तो यही होता है ना ऑनलाइन क्लास में, खाना खाते खाते बैठ के हम क्लास ले सकते हैं। ठीक है मैम। चलिए चलो, 12 बच्चों ने आंसर कर दिया, वेरी गुड। आपको बताना है क्वेश्चन में 2/5, 2/5 किस तरीके का भिन्न है, मिश्र भिन्न है, उचित भिन्न है, अनुचित भिन्न है, या इनमें से कोई नहीं। आखिरी के 5 सेकेंड्स और हैं, ये ज्यादा टाइम लगेगा नहीं इन क्वेश्चंस में। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करिए आंसर। वेरी गुड आंसर, गुड। हाँ कॉपी ना, मैं बार बार ये बोल रही हूँ, कॉपी सभी को बनानी है, कॉपी शो करनी है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको दिख रहा है ऊपर बड़ी संख्या, ऊपर छोटी संख्या है, नीचे बड़ी संख्या है, मीन्स अंश छोटा हर बड़ा, तो वो एक उचित भिन्न होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन। न्यूमरेटर छोटा, डिनोमिनेटर बड़ा, बी इज द करेक्ट आंसर। अगर इसी 2/5 को मैं 5/2 लिखती ना, तो ये होता अनुचित भिन्न। समझ नहीं आया। देखो आपको ये बताना है कि 2/5 किस तरीके का भिन्न है। याद करो हमने उचित भिन्न में क्या पढ़ा था, उचित भिन्न यही तो बोलता था कि अंश छोटा होना चाहिए, हर बड़ा होना चाहिए, यही था, ऊपर वाली संख्या छोटी नीचे वाली बड़ी, तो ही वो उचित भिन्न होता है। तो यहाँ आपको साफ दिख रहा है कि ऊपर वाली संख्या छोटी है, नीचे बड़ी है, तो ये उचित भिन्न ही तो होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, अनुचित भिन्न कहता था कि भाई जब अंश बड़ा हो जाए, हर छोटा हो जाए, तो वो अनुचित है। उल्टा इसका मतलब, अगर मैं इसी भिन्न को उल्टा कर दूं, 5/2 लिख दूं, तो ये अनुचित भिन्न होता, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता। ठीक, नो बेटा, क्लास तो मैंने देखा है इस बच्चे को ज्वाइन करता है, कोई बात नहीं, बट पूरी क्लास ज्वाइन करनी है। ठीक है, क्लियर हो गया आप सभी को। ये भिन्न को उल्टा कर देती तो मेरा आंसर भी उल्टा हो जाता, अनुचित भिन्न हो जाता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाता 5/5। आगे बढ़े, मिश्रण क्या होता है बेटा विषम भिन्न और अनुचित भिन्न एक ही बात है, विषम और अनुचित एक ही बात है, उसके दो नाम है। ठीक है, अब याद रखना अनुचित और उचित भिन्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है 12/5 किस तरीके का, क्या नजर आ रहा है आपको, 12/5, 12/5 क्या ये पूर्ण संख्या है, 12/5 उचित भिन्न है, अनुचित भिन्न है, या प्राकृतिक संख्या नजर आ रही है 12/5, होल नंबर है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, या नेचुरल नंबर है। बहुत इजी, वही आइडेंटिफिकेशन का क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हमारा तीसरे तरीके का भिन्न शुरू होगा, अनुचित भिन्न, सॉरी मिश्र भिन्न, तीसरे तरीके। यस, आखिरी के 5 सेकेंड्स और, क्योंकि डायरेक्ट देखते ही पहचानना है, 5 सेकेंड्स और है। 5, 4,
3, 2, 1 बेटा किसने करा नहीं है क्वेश्चन, करिए। और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा इतने लेट लेट क्लास क्यों ज्वाइन कर रहे हो आधा घंटा ओवर होने के बाद। वेरी गुड अंश, वेरी गुड। मैम हमारे प्रॉब्लम हो रही थी, वो नहीं आ रही थी ना आवाज। मैम कब से कर रही थी? यस मैम अब आ रही है। आपसे नहीं बोल रही, आपका तो मैंने देखा है, एक बच्चा अभी अभी जो ज्वाइन हुआ है। यस अमित राज के नाम से जो बच्चा है, बेटा टाइम पे क्लास ज्वाइन करो और पोल में भी टाइम से आंसर करिए। तो सेम पहले का उल्टा, अब ऊपर वाली संख्या बड़ी है, नीचे वाली संख्या छोटी है, ठीक है। अंश बड़ा हो गया, हर छोटा हो गया। अभी पहले छोड़ वाले क्वेश्चन में ही समझाया था, तो वो अनुचित भिन्न होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। क्लियर? ठीक है, ये बेटा आखिरी क्वेश्चन है अनुचित और उचित भिन्न का। ये टॉपिक खत्म यहाँ पे। अब हमारा तीसरे तरीके का भिन्न शुरू होने वाला है, जो कि है मिश्र भिन्न, मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या है? मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलता है, ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलता है कि एक पूर्ण संख्या, मतलब एक होल नंबर, और उसके साथ अगर मैं एक प्रॉपर फ्रैक्शन ले लूं, एक उचित भिन्न ले लूं, एक पूर्ण संख्या के साथ उचित भिन्न आ जाए, तो वो मिश्र फ्रैक्शन या मिश्र भिन्न बनाते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाते हैं। जैसे मैंने लिखा 2 1/2, 2 1/2। आपको यहाँ पे साफ दिख रहा है कि ये वाली जो संख्या है ये मेरी पूर्ण हिस्से को दर्शा रही है। दो तो पूर्ण संख्या है ना, होल पार्ट को दर्शा रही है। बाकी इसके साथ जो दूसरा संख्या है, मतलब दूसरा जो भिन्न है, वो मेरा उचित भिन्न है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। सभी को दिख रहा है? जब भी, परिभाषा याद रखना, जब भी पूर्ण संख्या के साथ उचित भिन्न आ जाए, प्रॉपर फ्रैक्शन आ जाए, तो वो भिन्न मेरा मिश्र भिन्न कहलाता है, मिक्स फ्रैक्शन कहलाता है। क्या होल नंबर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन क्या बनाएंगे? मिक्स फ्रैक्शन बनाएंगे। क्लियर हो गया? अगर क्लियर है तो आप सभी के सभी एक एक एग्जाम्पल चैट सेक्शन में लिखो मिश्र भिन्न का। बहुत इजी है, होल नंबर के साथ प्रॉपर फ्रैक्शन। सभी बच्चे कोई भी एग्जाम्पल लिख दो, इतना सोचने की जरूरत नहीं है। एक होल नंबर और साथ में उचित भिन्न। यस वेरी गुड अंश, एकदम बढ़िया, करेक्ट। नेक्स्ट, नहीं ऐसे नहीं बेटा देव, जैसे मैंने लिखा है ना, हाँ मतलब ऐसे लिख दो 4 1/3, ठीक है आपका करेक्ट है। चाहे कॉपी दिखाना है किसी को, कॉपी में दिखाना है, कॉपी शो कर दो। यस वेरी गुड, किशन के नाम से भी बच्चा है, करेक्ट है बेटा। नेक्स्ट अंश, करेक्ट है, और कॉपी भी शो कर सकते हैं मुझे अपनी कॉपी में भी जो लिखा है। वेरी गुड अरुण के नाम से जो बच्चा है, करेक्ट है। 5 6/7, करेक्ट है। मुझे मतलब है गलत वालों से, सही वाला तो सही है, कुछ गलत भी लिखेंगे ना, गलत वाला भी देखते हैं। बेटा अभी सभी ने नहीं लिखा चैट सेक्शन में या कॉपी, सभी ने नहीं दिखाई मुझे अभी। वेरी गुड, किसने? गुप्ता अंकित के नाम से जो बच्चा है, बढ़िया। 8 5/6, 5 3/2, 3 6/9, 6 3/2, 6 3/2। यस ये गलती कर दी देव ने, तो ये मुझे देखना था कौन बच्चा गलती करता है। इसने लिखा 6 3/2, क्या ये मिश्र भिन्न है? 6 3/2 क्या मिश्र भिन्न है? यस और नो सभी बच्चे बताएंगे चैट सेक्शन में। क्यों नहीं है ये भी कोई भी बताओ माइक ऑन करके, क्यों नहीं दिख रहा ये आपको मिश्र भिन्न? हाँ बच्चे बताएंगे देव, बच्चों ने बोला है नहीं है, क्यों नहीं है? कोई भी बच्चा माइक ऑन करके बताओ क्या गलती है इसमें। मैम क्वेश्चन वापिस बोलना, क्या ये? हाँ ये मिश्र भिन्न है या नहीं है, और अगर है तो क्यों है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, क्वेश्चन ये है। काफी बच्चे बोल रहे हैं ना चैट में कि नहीं है मैम, ऊपर बड़ी संख्या आ गई और नीचे छोटी संख्या आ गई। वेरी गुड, क्योंकि ये वाला हिसाब बोलोगे ये तो अनुचित भिन्न ले लिया इसने, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ले लिया।
लेकिन हमने पढ़ा था कि मिश्र भिन्न के साथ प्रॉपर फ्रैक्शन आता है। यस मैम। मोहित बेटा क्लास लीव करके मत जाओ बीच बीच में, तो समझ में आ जाएगा। दोबारा देखो, देव ने क्या गलती करी, उसने लिखा तो एक फ्रैक्शन बट उसने क्या कर दिया, मैंने बोला एक हिस्सा पूर्ण संख्या होनी चाहिए, ये तो उसने सही लिखी है बट उसके साथ जो दूसरा भिन्न ले लिया वो अनुचित भिन्न ले लिया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इसलिए ये गलत हो गया। अगर इसी को वो ऐसे लिख देता 6 2/3 तो ये सही होता। क्लियर हुआ सभी को? कैसे बनाएंगे, कैसे पहचानेंगे? कोई बात नहीं, आपने मिस्टेक करी तभी तो बाकी बच्चों ने समझा ना, मिस्टेक करना भी जरूरी है। मोहित के नाम से जो बच्चा है, समझ में आया? यस, मोहित के नाम से जो बच्चा है बेटा बताओ। यस, ठीक है, अनुचित भिन्न मत लेना, उचित भिन्न लोगे तो ही आपका मिश्र भिन्न बनेगा, इसका रूल है। आगे बढ़े, ये तो हमने ऐसे समझ लिया, अब हम इसको डायग्राम वाइज समझते हैं। 3 5/8 को अब देखो, 3 5/8, 3 मतलब है 3 तो मेरा पूरा हिस्सा है, 3 मतलब पूरी संख्या, तो आपको यहाँ पे 4 सर्कल दिखाई दे रहे हैं, 4 में से कितने सर्कल पूरे के पूरे ग्रीन कलर के हैं, स्टार्टिंग के 3, तो ये मेरा पूर्ण वाला हिस्सा दर्शा रहा है 3 को, 3 को दर्शा रहा है ये, क्योंकि ये होल है, 3 मेरा यहाँ पे पूर्ण पार्ट है ना, 3 को दर्शा रहा है स्टार्टिंग के 3 सर्कल। 5/8 को यहाँ देखो, 8 हिस्से, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 में से कितने हिस्सों में रंग है, 5 हिस्सों में, 5/8 ये वाला दर्शा रहा है। सभी को समझ में आ गया 3 5/8 कैसे उसने डायग्राम वाइज समझाया मिश्र भिन्नों को, 3 मतलब पूरे के 3, यस हाँ अनुचित भिन्न है, सॉरी उचित भिन्न है, 5/8 तो हमारा उचित भिन्न है ना, सही लिखा है। 3 मतलब 3 के 3 सर्कल्स में फुल कलर है, तो 3 में फुल कलर कर दिया। 5/8 मतलब 8 में से 5 में कलर है, ठीक है, क्लियर हो गया। तो एक डायग्राम मैं बना के दिखाऊंगी, आप लोग बताएंगे वो मैंने मिश्र भिन्न में क्या लिखा है, ठीक, एक डायग्राम मैं बनाती हूँ आपके सामने, सभी बच्चे ध्यान देना। तो मैं बना रही हूँ त्रिभुज, ट्राइंगल से हम डायग्राम मैं बनाऊंगी, एक्सप्लेन आप करेंगे कि मैंने मिश्र भिन्न के रूप में ये क्या लिखा है। तो मैं यहाँ पूरे में ये ग्रीन कलर कर रही हूँ, इस वाले में ग्रीन कलर है। आप मुझे बताओ मैंने मिश्र भिन्न के रूप में ये क्या लिखा है, सभी बच्चे चैट सेक्शन में लिखेंगे मिश्र भिन्न में ये मैंने क्या लिखा है। क्वेश्चन समझ, डायग्राम मैंने बना दिया, मिश्र भिन्न के रूप में मैंने ये लिखा क्या है, ठीक है। देव दोबारा आंसर देखो, गलत लिख रहे हो, सब पूरी चीज होनी चाहिए साथ में उचित भिन्न, ठीक है, गुड, ठीक, ठीक है। तो सभी यही लिख रहे हो क्या, 1 1/2, 1 1/2, देखो मैं समझाती हूँ, ये वाला आपको दिख रहा है पूरे के पूरे में कलर है, तो एक है ये पूरे के पूरे में कलर, यहाँ पे कितने हिस्से हैं, 2 हिस्से हैं, ये रहा पहला हिस्सा, ये रहा दूसरा हिस्सा, तो यहाँ कितने हिस्सों में रंग है, 2 में से 1 में रंग है, तो दोनों को मिक्स करो क्या बनेगा, ये 1 1/2 ही तो बनेगा, एक त्रिभुज में, एक ट्रायंगल में, हाँ वही समझा रही हूँ, एक ट्रायंगल में आपको पूरे में रंग दिख रहा है, ग्रीन कलर है, मतलब एक फुल ट्रायंगल में फुल कलर है, तो 1 पार्ट को डिनोट कर रहा है, ठीक है, ठीक है। और जो दूसरा ट्रायंगल है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है, 2 में से सिर्फ एक ही में तो ग्रीन कलर नजर आ रहा है, जो दूसरा पार्ट है वो 1/2 है, पहला पार्ट है 1, दोनों को मिक्स कर दो, 1 1/2, क्लियर, 1 1/2 ये ऊपर है, ठीक है। और करने ऐसे डायग्राम वाले,
और करवाओ ऐसी। मैम जब पहले वाला ट्रायंगल पूरा है तो उसमें बीच में लाइन क्यों खींची है? वो तो मैंने कंफ्यूज करने के लिए खींची है, पर है तो पूरे में कलर ना। मैं उसको 10 हिस्सों में डिवाइड कर दूं, लेकिन 10 के 10 में रंग भर दूं, तब भी तो वो एक ही दर्शाएगा ना, क्योंकि सब में कलर है। ठीक है, आपको ये नहीं देखना, आपको देखना है कि पूरे में कलर है या नहीं। चलो एक और मैं बनाती हूँ, एक और डायग्राम, बार छोटे बॉक्स बना लेते हैं लास्ट, इसके बाद फिर इक्वेशन पोल में करेंगे, ताकि सबको समझ में आ जाए कि हम कैसे इसे करते हैं। तो आप लोग समझना, ये एक जैसे ही बॉक्सेस है। देखना भी हमको, ये पूरे में ही है, ठीक है, चारों बॉक्स में ये कलर। तो सभी बच्चे रेडी हो जाएं और मुझे जरा बताएं क्या लिखा है मैंने मिश्र भिन्न के रूप में। ये मिश्र भिन्न के रूप में मैंने क्या बनाया है? वेरी, नो अंश, डिनोमिनेटर में गलत लिखा है आपने, डिनोमिनेटर गलत लिखा है, कंफ्यूज मत हो, डिनोमिनेटर में हम टोटल लिखते हैं, ठीक है, हर में हमेशा टोटल लिखते हैं, टोटल संख्या। यस, नो, अंकित के नाम से जो बच्चा है, गलत गलत गलत, आपने तो भिन्न नहीं, उचित भिन्न, ये तो मिश्र भिन्न नहीं बनाया आपने, गलत लिखा है। मैं बताऊं? यस, हाँ अभी भी गलत है, अंकित गुप्ता के नाम से जो है अभी भी गलत है। देखो पहले आप देख लो, 1 2 3 चारों में फुल कलर है, तो 4 तो ये हो गया पूर्ण हिस्सा जो दर्शा रहा है। इस वाले पे आओ, यहाँ गड़बड़ कर रहे हो आप लोग। बेटा कितने बॉक्सेस है? 1 2 3 4 बॉक्सेस है, मतलब हर में 4 आएगा, डिनोमिनेटर में 4 आएगा। 4 में से कितने हिस्सों में रंग है? एक हिस्से में 4, 1/4, 4 1/4। कुछ बच्चों ने ना स्टार्टिंग में ये लिखा था 4 1/3, ये 3 क्यों लिख रहे हो? कितने हिस्सों में तोड़ा है मैंने इसे, इस डब्बे को 4 हिस्सों में तोड़ा है ना, तो 3 क्यों लिख रहे हो? कंफ्यूज मत हो, नीचे हमेशा आता है जितने हिस्सों में टूटा है वो चीज। क्लियर हो गया सभी को? तो बताइए, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पोल में देती हूँ। यस मैम, दे दो। ठीक है, हाँ डिनोमिनेटर में 4 आएगा, डिनोमिनेटर में हर में वही संख्या आती है जितने हिस्सों में वो विभाजित होगा। अब आपको सभी को यहाँ पे सेब दिखाई दे रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर 58, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये फ्रैक्शन के रूप में, मिश्र भिन्न के रूप में आप इसको कैसे दर्शाओगे, भिन्न के रूप में, सॉरी भिन्न के रूप में ये क्या बना रखा है, सेबों को बताओ। ए बी सी डी 4 ऑप्शन है, क्या है? अभी हमने सीखा है डायग्राम वाइज, अब एप्पल के उसमें बताइए कितने हैं ये भिन्न के रूप में, कितने पूरे हैं, कितना हिस्सों में डिवाइडेड है, दूसरा वही बताना है। अगर वहां पे समझ में आ गया तो एग्जांपल में तो किसी का गलत नहीं होने वाला। फ्रैक्शन में देना है। चैट सेक्शन, नो बेटा चैट सेक्शन तो ऑफ है, पोल में करना है। मिक्स फ्रैक्शन में देना है क्या मैम? बेटा पोल में, पोल में आंसर करो। मैम ये पूछ रहा है कि मिक्स फ्रैक्शन में करना है क्या? देखो वो मैं आपको नहीं बताऊंगी, आप देखो क्या ये मिक्स फ्रैक्शन है या नहीं है, आपको क्या लग रहा है, जो लग रहा है उस हिसाब से आंसर करो। मिक्स्ड लग रहा है तो मिक्स्ड में करो, प्रॉपर लग रहा है प्रॉपर में करो, इम्प्रॉपर लग रहा है इम्प्रॉपर में करो, क्या लग रहा है उस हिसाब से देखिए। देखो समझ में सभी को आ रहा है और किसी का गलत नहीं है ये वाला क्वेश्चन, सेम ऐसे ही जो पहले वाला बैच था जिसमें ये क्वेश्चन करा है, किसी का गलत नहीं था। गुड,
बाकी बच्चे भी करिए, वेरी गुड। आखिरी के 5 सेकंड्स और, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए बाकी बच्चे चैट सेक्शन में कर ले। वेरी गुड अरुण, गुड बेटा। वेरी गुड अंश, यस करेक्ट है। तो आपको साफ दिखाई दे रहा है कितने पूरे सेब हैं? मुझे तो 2 पूरे सेब नजर आ रहे हैं और एक आधा सेब नजर आ रहा है। तो ये तो मिश्र भी नहीं है, 2 1/2, 2 पूरा सेब और एक आधा सेब, तो इसका सही उत्तर है। क्लियर? हाँ, इजी था क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। 51वां नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 2/5 किस क्या है? 1 2/5 क्या है? एक पूर्ण संख्या है, उचित भिन्न है, अनुचित भिन्न है या मिश्र भिन्न है? ठीक है, 1 2/5, एक आपको होल नंबर दिखाई दे रहा है, प्रॉपर फ्रैक्शन दिखाई दे रहा है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है या मिक्स्ड फ्रैक्शन? सभी बच्चे पोल में करिए आंसर, किस तरीके का है, क्या है ये? जल्दी में नहीं करोगे, जल्दी में करोगे तो आंसर गलत होगा। गुड, वेरी गुड। 15 बच्चों ने दे दिया आंसर, अभी भी 3-4 बच्चे रहते हैं। देखते ही पहचाना आइडेंटिफिकेशन का क्वेश्चन। यस, क्या है 1 2/5? अभी हम थोड़ी देर पहले पढ़ के ही आए हैं। आखिरी के 5 सेकंड्स, 5 सेकंड्स और हैं। 2 बच्चे रह गए जिन्होंने पोल में आंसर नहीं किया। बेटा ऐसा मत सोचो जो इजी है आप उसी का आंसर कर रहे हो, सबका आंसर करना है। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए बाकी बच्चे चैट सेक्शन में आंसर करिए। यस, वेरी गुड अंश, करेक्ट है। पोल में अभी भी 2 बच्चों ने अभी आंसर नहीं किया था, नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। आप क्या कर रहे हो, एक क्वेश्चन का आंसर कर रहे हो, दूसरे का नहीं कर रहे हो, सबका करना है। साफ दिख रहा है पहली पूर्ण संख्या 2/5 हमारा उचित भिन्न है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, सॉरी प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो ये हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन है, मिश्र भिन्न है, डी इसका सही उत्तर। देखते पहचान में आ गया। यस, गलत तो करना ही नहीं था, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफिकेशन का। ठीक, सभी को क्लियर? आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको बताना है दी गई संख्या में से मिश्र भिन्न कौन सी नजर आ रही है, मतलब कुछ भिन्न आपके सामने दिए गए हैं और इसमें से मिक्स्ड फ्रैक्शन कौन सा नजर आ रहा है? निम्न में से कौन सा एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है, मिश्र भिन्न है? बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन, मुझे लगता है इससे ज्यादा इजी क्वेश्चन कोई होगा। एक तो सेव वाला था, उससे भी ज्यादा इजी क्वेश्चन ये है। यस, आखिरी के 5 सेकंड्स और, डायरेक्ट आइडेंटिफिकेशन क्वेश्चन है। 5, 4, 3, 2, 1। यस बेटांश, एकदम करेक्ट। बाकी बच्चे चलिए चैट सेक्शन में आंसर करिए। वेरी गुड,
सी इसका सही उत्तर है, डायरेक्ट देख के पता चल रहा है। 7 5/7 ही ये मिश्र भिन्न है, और तो कोई है ही नहीं ऑप्शन में जो मिश्र भिन्न के रूप में लिखा गया हो, यही है तो यही उत्तर है, सी इसका सही उत्तर। ठीक है, हाँ बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन था ये। ठीक, चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट। ठीक है, अब हम देखते हैं, ये तो मिश्र भिन्न हो गया, अब हम एक भिन्न से दूसरे भिन्न में बदल के कैसे लिखते हैं, मतलब हम अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदल सकते हैं और मिश्र भिन्न को अनुचित में बदल सकते हैं। मीन्स इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करना एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर में चेंज करना, वो कैसे करते हैं चलो देखते हैं। 17/8 7/8 एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, अनुचित भिन्न है 17/8। अब मैं इसे मिश्र भिन्न में बदल रही हूँ, भाग देना सभी को आता है, भाग देना आता है सभी को, करो 17 को 8 से भाग, 8 × 16 7 में से 6 घटाए 1 आएगा। अब तरीका क्या होता है, ये है शेषफल, ये है भागफल और ये है भाज्य। तो जो हमारा भाज्य होता है, सॉरी भाजक होता है, भाजक क्या है इसमें, ये है 8 है ना, तो नीचे आएगा। जो शेषफल आता है वो हमेशा ऊपर आता है, और जो ये संख्या होती है ना क्वेश्चन, जो ये संख्या होती है क्वेश्चन भागफल, वो हमेशा आगे आता है। 2 1/8 तो मैंने लिख दिया इसको, यस वेरी गुड कॉपी, वेरी गुड किशन के नाम से जो बच्चा है, गुड बेटा, ऐसे तो लिखेंगे। समझ में आया, भाग देना सभी को आता है, तरीका देख लो, जिस संख्या से भाग कर रहे हैं वो सबसे नीचे आएगी यहाँ, ठीक है, ऊपर आएगा शेषफल रिमाइंडर, आगे आएगा भागफल या क्वेश्चन। सबको समझ में आ गया ये 2 1/8, क्लियर हो गया तो चैट सेक्शन में लिखिए वाई, अगर क्लियर है तो चैट सेक्शन में वाई लिखिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, हम एक दो एग्जांपल्स और करेंगे अभी आगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिखा रखा है भागफल शेषफल और भाजक, इसको भी नोट डाउन कर सकते हैं। देखो 17/8 को मैंने लिख तो लिया 2 1/8, अब मैं देखती हूँ क्या मैं इसको दोबारा से अनुचित भिन्न में बदल सकते हैं मिश्र भिन्न को, ये भी देखते हैं कैसे बदलते हैं अनुचित मिश्र भिन्न से अनुचित भिन्न में। कुछ नहीं करना, नीचे की इन दोनों संख्याओं को गुणा करो, जो उत्तर आएगा उसमें ऊपर वाली संख्या जोड़ दो, नीचे की दोनों संख्या को गुणा करो ऊपर वाली संख्या में जोड़ दो, मतलब 8 को 2 से गुणा करो और 1 को जोड़ दो, 8 तो है ही, 8 × 16 + 1/8 क्या आया 17/8 आया ना, वही चीज फिर से होम करके वही आ गया। तो पहले मैंने अनुचित भिन्न को, यस वेरी गुड, पहले मैंने अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदला, फिर मिश्र भिन्न को दोबारा से अनुचित में। ठीक है, पहले मैंने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज किया है, देन अगेन मैंने मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। सभी को समझ में आया, मैं एक दो क्वेश्चंस दूंगी इसके, आप लोग मुझे करके बताना, मतलब मैं तब सबकी कॉपी देखूंगी, कॉपी मुझे चेक करवाना, ठीक है, कॉपी कर मैं सॉल्व करके फिर अपनी अपनी वीडियो ऑन करके मुझे कॉपीज दिखाना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देती हूँ मैं आपको। क्वेश्चन है, को आप चेंज करिए पहले इसको मिश्र भिन्न में और फिर इसी मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में चेंज करना, जिसका हो जाए वो मुझे कॉपी शो करते जाएगा, जिसका होते जाएगा मुझे कॉपी दिखाते जाना। ठीक है, सबकी कॉपी चेक करूंगी थोड़ा सा, एक मिनट, सबसे पहले किशन के नाम से जो बच्चा है उसकी कॉपी चेक कर रही हूँ। सही है बेटा, एकदम करेक्ट। नेक्स्ट है अंकित की, अंकित सही है एकदम। नेक्स्ट और किसका हो गया, कदव के नाम से जो बच्चा है, करेक्ट है बेटा, गुड एकदम करेक्ट। नेक्स्ट आगे बढ़िए, यस अंश गलत है,
देखो क्या बताया था मैंने, कैसे लिखना बताया था, दोबारा देखो, जल्दी में कर रहे हो तो गलत करोगे। यस करेक्ट है बेटा देव। अंश दोबारा देखो मैंने क्या बोला। यस कॉपी शो कर दीजिए, कॉपी में ना मुझे मिस्टेक पता चल जाएगी, ठीक है। जैसे मैंने बता दी अंश की क्या गलती हुई है, बाकी सबकी भी गलती पता चल जाएगी। हाँ होमवर्क दे रही हो बेटा सचिन, क्लास ओवर होने में अभी 9:30 नहीं और है, 10 मिनट है, कॉपी शो करो। चलो अपनी तुम होमवर्क दे दूंगी, कॉपी शो करो। यस अरुण करेक्ट है एकदम, कॉपी दिखाओ मुझे सचिन अपनी, फिर होमवर्क दे दूंगी मैं, तुमने कॉपी शो कर दी तो मैं होमवर्क दे दूंगी, ठीक। यस अंश, जो हमारा क्वेश्चन होता है रिमाइंडर ऊपर लिखना है, क्वेश्चन को मत ऊपर लिख देना, रिमाइंडर आता है ऊपर। बाकी और कोई कॉपी नहीं शो कर रहा, 6-7 बच्चों ने कॉपी शो करी है। यस बेटा सदफ के नाम से जो बच्चा आपने एकदम सही किया है, दिखा दी कॉपी। बाकी बच्चे भी बैक कैमरा करना नहीं आ रहा तो ये देखो सबसे ऊपर ना ऐसा कुछ बना होगा आपकी स्क्रीन पे, सबसे ऊपर इस पे क्लिक करो, बैक कैमरा हो जाता है। हाँ जिसको नहीं पता वो ऐसे करना, ठीक है। यस संदीप के नाम से जो बच्चा, बेटा कॉपी शो नहीं हो पा रही मुझे, आप प्रॉपर कर ही नहीं पा रहे हो कॉपी शो। चलो ठीक है आप इसे सीख लेना। देखो आपने भाग करा तेईस को 4 से, 4 × 5 = 20, 3 शेषफल। आपको पता है क्या लिखते हैं, शेषफल सबसे ऊपर आता है, नीचे जिससे भाग देते हैं, और भागफल आगे। अब इसको सॉल्व करोगे, 4 को 5 से गुणा करो जो उत्तर आया, 3 जोड़ दो, 4 × 5 + 3/4 कितना आएगा, 20 + 3/4 ये 23/4 हो गया। दोनों तरीके हमने सीख लिए, क्लियर हुआ सभी को, सभी का यही आया है जिन्होंने कॉपी शो नहीं की है। यस होमवर्क दे रही हूँ मैं, जिन्होंने कॉपी शो नहीं करी सभी का यही है, ठीक सभी को क्लियर है। हाँ सभी को क्लियर है, यस होमवर्क दे रही हूँ, मुझे भी पता है इतना ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाते हैं, ठीक। जिसको ना क्लियर हो क्लास के बाद रुक जाना, होमवर्क देख लो। 14.1, 14.2 कर ली ना, 15.1 करना ये वाली, 15.1 ये आकृति में रंग भरना है जो दे रखा है, फिर सामने भिन्न का प्रकार भी लिखना है, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है। 3 क्वेश्चन है इसमें, 15.2 भी हमने करी लिए, ट्राई करना सभी बच्चे। मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में बदलना, मिक्स्ड फ्रैक्शन टू प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। इसके आगे का नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।